पूरी वीडियो में करना क्या है आपको वो पहले पता होना चाहिए। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ में लेकर के बैठें, ठीक है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है इसको आप अपने साथ लेकर के बैठें और उसमें मेरे साथ साथ मार्क करते रहना है सभी को। मैं क्वेश्चंस को कट करा रहा हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी बच्चों और एग्जांपल्स भी जो जो कट हुए हैं एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, बिल्कुल डिटेल में। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको आगे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और चैप्टर्स जो जो भी चीज़ें डिलीट हो गई है मैं सारी मार्क करा रहा हूँ। आपको बस केवल इतना करना है कि एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठना है और पेंसिल से। बच्चों देखो ये चीज़ जो बात है ये बहुत ज़रूरी है करनी इस समय यहाँ पर कि पेंसिल से आप लोग करेंगे, जो भी कट करेंगे उसको कट करेंगे आप लोग पेंसिल से। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बुक को नहीं ख़राब करना है। बच्चों ये जो सिलेबस डिलीट हुआ है ये केवल इस बार के सेशन के लिए हुआ है, 2020-2021 के लिए। अगली बार से फिर से पूरा का पूरा सिलेबस ही आएगा। तो यदि आप अपनी बुक के अंदर पेन से कट वगैरह लगाएंगे, पेन से टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को कट कर देंगे तो पूरी बुक ख़राब हो जाएगी बच्चों। और बुक बनने में देखिए आप जानते ही हैं कि कितने पेपर लगता है और पेड़ जो हैं हमारे वो कटते हैं। तो इसलिए बुक ख़राब नहीं करनी है, आप लोग पेंसिल का यूज़ करें प्लीज़, ठीक है। पेंसिल से कट करेंगे ताकि अगली बार भी वो बच्चों के किताब आपकी काम में आ जाए। चलिए अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या सीबीएसई ने कट कराया है नंबर सिस्टम्स के अंदर। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में आप चलते रहिए, देखिए दिख रही होगी आपको पूरी की पूरी बुक, एक एक पेज आगे बढ़ते रहना है। तो सीधे चलना है, चलते रहिए अभी सीधे आ जाइए नंबर सिस्टम में। कुछ खास ज़्यादा चीज़ें कट नहीं कराई हैं, ये 1.1 एक्सरसाइज आपके सामने से गई अभी। और फिर चलते चलते ये रूट वाले क्वेश्चन सब एज इट इज़ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सब कोर्स के अंदर है, इसमें कुछ ज़्यादा कट नहीं है। केवल और केवल एक एक्सरसाइज हमारी मैग्नीफिकेशन वाली है, बस आप उसको कट करिए, बाकी आपको सारा कुछ पढ़ना है। बड़ा आसान सा चैप्टर ये वैसे भी है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो बच्चों ये हम आ जाएंगे, ये आ गई एक्सरसाइज हमारी, ठीक है बच्चों। ये वाली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.4 इसको आप पूरी कट कर दीजिए, ये कोर्स से हट चुकी है। चलिए बच्चों आगे बढ़िए, थोड़ी जल्दी जल्दी मैं वीडियो को लेकर चलूँगा क्योंकि हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। फटाफट से हम पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। और कुछ भी बच्चों आपको इस चैप्टर में कट नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहो फटाफट से। चलिए सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं अब हम, तो सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं, तो कर देते हैं बैक। पूरा चैप्टर एज इट इज़ है आपका, रियल नंबर्स के अंदर बच्चों कुछ भी और कट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, विच इज़ पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स बच्चों, पॉलीनोमियल्स चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो कट हो गया है दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कट हो गए हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहे बच्चों आप, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। सीबीएसई की सख्त गाइडलाइंस हैं कि जो हमने टॉपिक डिलीट कर दिए हैं इस बार उनको नहीं तो इंटरनल असेसमेंट में और ना ही फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर किसी में भी उनको पूछा नहीं जाना चाहिए। सीबीएसई ने ये अलग से नोटिस जारी करके बात कही है। देखिए बच्चों रिमाइंडर थ्योरम आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये पेज नंबर है आपका 35, ठीक है। तो इस 35 पेज पर ये रही रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं एक सेकेंड। ये बच्चों 35 पेज आपका और रिमाइंडर थ्योरम को हमें करना है कट, ये वाला टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ जाइए आप, इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कट करते रहना है। देखो बच्चों ये भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7, ये हालांकि डिवाइड किया हुआ है तो इसको भी आप कट करिए। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर, एग्जांपल नंबर 8, इसको भी आप कट करिए। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ भी मना कर दिया है, देखिए पूरी रिमाइंडर थ्योरम दिए, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। आप क्लियरली इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एनसीईआरटी के अंदर से ये जो जो एग्जाम्पल्स कट हो रहे हैं ये रिमाइंडर थ्योरम के हैं, फिलहाल इनमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ये हम आगे 2.3 एक्सरसाइज, इसको पूरा आप बेफिक्री से कट कर दीजिए। वैसे भी ये थ्योरम बच्चों पहले से ही ईजी थी, इसे कट भी कर दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चों को ये आसान ही लगती थी। तो खैर सीबीएसई अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आइए फैक्टर थ्योरम पर, फैक्टर थ्योरम है उससे बार अगली, इसमें
सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ मौजूद हैं, इसमें कुछ भी नहीं कटा है। यानी एक्सरसाइज 2.4 ये कंप्लीट आपके कोर्स में है और हाईली इंपॉर्टेंट भी है आपके बार के लिए। अब बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, इसमें बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है सॉल्व करने में, बच्चों को हार्ड लगती है, तो इसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ कट जानी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं, मैं बताता हूँ, आगे चलते रहिए। ये आ गया आपका पेज नंबर 46, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 46 पर फ़िलहाल हम आ गए हैं। 46 पर आगे बढ़ेंगे आप, 46 से आगे चलते रहिए पेज नंबर 48 आ गया, और ये मिल गया हमें पेज नंबर 48 पर अपना डिलीटेड पार्ट इस चैप्टर का, ये वाला पार्ट, दैट इज़ 8th आइडेंटिटी। ये बच्चों हो गई है कट, इसको आप बेफिक्र से कट कर दीजिए, ये नहीं आ रही है। एग्जांपल नंबर 25 कट हो चुका है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाली, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता था एग्ज़ाम के अंदर, अब ये हो गया कट। देखो बच्चों मैं एक्सरसाइज पे आ गया हूँ, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये चारों यहाँ पर कट हो चुके हैं, ये अब कोर्स में इस साल के लिए नहीं रहे। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ फटाफट से। चैप्टर इसके अंदर बच्चों कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका कोर्स में, कंप्लीट आएगा, ये कटा नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल मत कर देना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा कोर्स के अंदर है। आगे चलते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4 इज लीनियर इक्वेशंस इन एनसीईआरटी, है ना। तो इसके अंदर जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें ही बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, सीबीएसई ने वो कट कर दी है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ी फ़ायदे वाली बात होगी समझ लीजिए। लेकिन आगे 10th में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी पड़ेंगी, तो आप वहाँ भी इनको पढ़ सकते हैं, शायद यही सोच के सीबीएसई ने अब की बार के लिए इनको कर दिया है डिलीट। तो एक तो आप ये देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको कट कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 तो खैर कुछ खास है नहीं, 2 के अंदर हमें केवल इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखना है ax + by + c की, तो ये कट नहीं है और ये पेपर में आता भी नहीं बच्चों, तो इसको तो वैसे कट ही मानिए आप, पर कोर्स के अंदर ये कट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये चलते रहेंगे, इसमें कोई चीज़ कट नहीं है, आगे चलते रहिए 4.2 में आ गए हम, 4.2 में कुछ भी कट नहीं है। उसके बाद हम आगे बच्चों आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहो, इसमें कुछ कट नहीं है। एग्जांपल 5, एग्जांपल 6 सब कोर्स के अंदर हैं। अब आइए, अब यहाँ पर कट करिए आप एग्जांपल नंबर 7 को, उसके बाद आगे बढ़िए। बस शॉर्ट में बच्चों फटाफट आपको ये बता के चल रहा हूँ क्या चीज़ें कट हैं। अब थोड़ा वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमें कवर कर दें, और फटाफट से हमारा मेन मुद्दा है जो चीज़ें कट हो गई हैं सर बस वो कट करा दीजिए। तो उनको मैं यहाँ पर, ये देखिए 4 को कट कीजिए आप, उसके बाद बस हम इनको कट करना है हमें केवल जो कोर्स में नहीं है। इसके बाद बच्चों एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा। 6 को कट कीजिए आप, उसके बाद 7 को कट कीजिए। एक बच्चों इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन जाते हैं, अब 8 को कट कीजिए बच्चों। देखिए क्या होता है कि जब चैप्टर्स कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स रेड्यूस हो गए, आगे बच्चों अभी बताता हूँ पूरी बात, आगे देखिए पूरा का पूरा जो चैप्टर है आगे एक्सरसाइज 4.4 ये सारी कोर्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा हो गया लीनियर इक्वेशंस, 4 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और यहीं पर आप एक बात देख लीजिए, इससे अगला चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, ये पूरा डिलीट हो गया है कुछ इसकी, ये पहले से भी सोच रहे थे सीबीएसई वाले इसको हटाने की कोर्स में से, तो इस बार के लिए तो कम से कम इन्होंने डिलीट कर ही दिया है। तो यूक्लिड को आप पूरा कट कर दीजिए इस चैप्टर को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग लाइंस एंड एंगल्स की तरफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, अब हमारा आ गया लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों मैं बात कह रहा था कि इस बार जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे डिलीट हो गए हैं, तो अब की बार के लिए फिर कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो गैस करेंगे हम इस बार पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, तो वो और आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक्स रह गए हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आया करती थी पहले वो डिलीट हो गई हैं। तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों।
तो उन पे आप फोकस करें तो अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। पढ़ना सारा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट को पेपर के टाइम पे इंपॉर्टेंट को पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो लाइन्स एंड एंगल्स पे आ गए बच्चों फिलहाल हम फटाफट से। लाइन्स एंड एंगल्स में देखते हैं क्या क्या कट किया है, कुछ फ़ायदा हमें दिया है कि नहीं। तो लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर कोई भी फ़ायदा नहीं दिया है, नो डिलीशन लाइन्स एंड एंगल्स में। बच्चों आप चैप्टर के यहाँ स्टार्टिंग में देखो ऊपर जहाँ जगह होती है जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो यहीं पर आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, नो डिलीशन, यानी इसके अंदर से आपको कुछ भी कट नहीं करना है। ये कंप्लीट कोर्स के अंदर है लाइन्स एंड एंगल्स। आगे बच्चों चलते हैं ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स चैप्टर। ट्राइंगल्स के अंदर बच्चों क्या क्या डिलीट हुआ है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए आप ट्राइंगल्स में। एक तो ASA थ्योरम, एंगल साइड एंगल थ्योरम का प्रूफ, ये कोर्स में से आपका डिलीट हुआ है, ठीक है, इसको कट कर देना है। तो मैं आगे अभी NCERT में इसमें आगे मार्क करा रहा हूँ कि ये कहाँ पर है। तो आप आगे चलते रहें, कुछ भी इसमें कट नहीं करना है आपको जब तक मैं ना कहूँ, आगे चलते रहना है। ट्राइंगल्स के अंदर बच्चों आपको काफ़ी बड़ी मदद की है CBSE ने इस बार के लिए, काफ़ी बड़ा टॉपिक एक था बच्चों के लिए, उसको हटा दिया है, तो मैं अभी बताऊंगा वो कौन सा टॉपिक है। अभी फ़िलहाल आप ASA की तरफ चलिए, तो ये आ गया आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल थ्योरम 7.1। ये बच्चों कट हो गई है इसका प्रूफ, ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए। इसका प्रूफ पेपर में पूछा जाता था, तो अब की बार के लिए ये डिलीट हो गया है। अब सीधे बच्चों आप आगे चलते रहिए, ये आ गया हमारा पेज 117 से आगे बढ़िए आप, 117 से आगे 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 चलते रहिए। अभी कुछ कट नहीं है, सब क्वेश्चंस कोर्स के अंदर हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। ये आए हम अब आ गए, हाँ चलते रहिए। और ये पूरी एक्सरसाइज कोर्स के अंदर है, सीधे आप लास्ट में आइए, लास्ट में ये सब चलते रहना है। हाँ अब यहाँ आ जाइए आप, ये सुनिए बात, पेज नंबर 129 पर, पेज 129 पर इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल, ये पूरा का पूरा बच्चों कर दिया है डिलीट, जो मैंने आपको कहा था ना इसमें बड़ी मदद हुई है इस चैप्टर के अंदर। तो इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल ये CBSE ने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है आप लोगों के लिए। अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से कट हो गए हैं, तो आगे सबसे पहला क्वेश्चन ये थ्योरम डिलीट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे चलेंगे आप, थ्योरम 7.7 डिलीट है, फिर आगे चलेंगे आप थ्योरम 7.8 डिलीट है, ये नहीं वो टॉपिक ही डिलीट हो गया है, ये है ना एग्जांपल नंबर 9 डिलीट कर दिया गया है। आगे चलेंगे एक्सरसाइज 7.4 पूरी की पूरी डिलीट है, इसको आप पूरी की पूरी साफ़ कर सकते हैं, ये नहीं आएगी इस बार एग्ज़ाम के अंदर। तो ये था बच्चों हमारा ट्राइंगल्स से रिलेटेड जो जो पोर्शन डिलीट हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आपका है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर पूरा का पूरा कोर्स में है, क्वाड्रिलेटरल्स में नो डिलीशन, गलती से डिलीट मत लगा देना इसके ऊपर, नो डिलीशन कह रहा हूँ मैं, नो इसके अंदर कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। इसके बाद अगला चैप्टर काफ़ी बढ़िया चैप्टर था, एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, और काफ़ी बड़ा चैप्टर था एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर। तो एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल बच्चों इसके अंदर मेहनत थोड़ी ज़्यादा भी करनी पड़ती थी, और यहाँ पर ये भी बड़ी CBSE ने यहाँ पे आप लोगों को छूट दी है, एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स पूरा चैप्टर कट कर दिया है, बिल्कुल पूरा चैप्टर डिलीट है। तो पहले भी सबको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि पूरा चैप्टर ही लिखा है। तो पूरा का पूरा चैप्टर आप एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स इस बार के लिए डिलीट कर दीजिए। चलिए अब आगे चलिए बच्चों फटाफट से, अब हम सीधे बात करेंगे सर्कल्स चैप्टर की, है ना। चलिए हम चलते हैं सर्कल्स की तरफ, सर्कल्स पेज नंबर 175 पर आ गए हैं बच्चों। 175 पर नीचे थ्योरम दी है 10.5, इसको कर दीजिए कट, ये अब की बार के लिए हो गई है कट, ये नहीं आ रही। इसके अलावा और कोई इसके अंदर खास डिलीशन नहीं हुआ है, और बाकी आपको सब पढ़ना ही है, ठीक है बच्चों। सर्कल्स चैप्टर के अंदर बाकी आपको सब पढ़ना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ईच एग्जांपल ईच क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कुछ भी इसके अंदर बाकी कट नहीं हुआ है, केवल वो एक थ्योरम के प्रूफ के अलावा। बाकी एक और हमारी थ्योरम आती है जो डिलीट कर दी गई है, वो NCERT के अंदर मौजूद नहीं है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं ही करेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे है नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शंस। यस कंस्ट्रक्शंस,
कंस्ट्रक्शंस में आ गए भाई, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीज़ें कट करी हैं, इसमें कुछ कट ना ही करें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कंस्ट्रक्शन तो पूरी ही आ जाए। मोस्टली बच्चे यही चाहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन बच्चों को अच्छा लगता है, ईजी लगता है चीज़ों को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। खैर, इसके अंदर लेकिन आपको बच्चों छूट मिली है, ठीक है, सीधे आप लास्ट में आइए। इसके अंदर CBSE ने कट करवा दी है एक टॉपिक पूरा का पूरा ही, ये आइए ये वाला टॉपिक। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 194 पर, देखिए देख रहे होंगे आप, 194 पेज पर कंस्ट्रक्शन 11.6 को कट कर दीजिए। पैरीमीटर वाला क्वेश्चन कोर्स के अंदर अब नहीं रहा, सम ऑफ ऑल साइड्स वाला क्वेश्चन, पैरीमीटर वाला क्वेश्चन ये कोर्स में नहीं रहा। एग्जांपल नंबर 1 कट करिए बच्चों। इसके बाद आप एक्सरसाइज 11.2 है, देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर 11.1 एक्सरसाइज है और 11.2 एक्सरसाइज है। 11.1 पूरी आ रही है, ठीक है ना। 11.2 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 को कर दीजिए कट। ये दोनों इस बार के लिए बच्चों हो गए हैं डिलीट। चलिए बच्चों, ये हमारा कंस्ट्रक्शंस पूरा हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, विच इज़ हीरोंस फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। हीरोंस फॉर्मूला इज चैप्टर नंबर 12। चलिए तो ये है हमारा हीरोंस फॉर्मूला। CBSE ने काफ़ी मदद कर दी है आप लोगों की, कितना भी कोर्स रिड्यूस कर दिया है, बहुत है 30%। और काफ़ी तो देखिए, 9th में से तो सबसे ज़्यादा चैप्टर मैं कहूँगा डिलीट करें। 11th में भी डिलीट हुए हैं, हालांकि 3 चैप्टर आपके पास से भी डिलीट हुआ है। यूक्लिड डिलीट हुआ है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स डिलीट हुआ है, ठीक है ना। तो मदद तो की है। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हीरोंस फॉर्मूला में, चलिए आप आगे चलते रहिए, मैं क्वेश्चन से मार्क कराऊंगा डायरेक्ट, बस जो कट है ये आइए बच्चों। आप एग्जांपल नंबर 5 को डिलीट करिए, एग्जांपल नंबर 5 कट है। इसके बाद बच्चों आगे चलें, आप आगे चलेंगे एग्जांपल नंबर 6 दिखाई देगा आपको लिखा हुआ, एग्जांपल नंबर 6 को कट करिए। फिर आगे चलिए, एग्जांपल नंबर अल्टरनेटिव मेथड है ये इसका। इसके बाद एक्सरसाइज में आइए आप, एक्सरसाइज 12.2 के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 कट करिए। फिर आगे चलिए इसके बाद बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कट करिए। इसके बाद आप आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर इसको 9th को कट करिए आप। ये बच्चों आपका हीरोज फॉर्मूला के अंदर जो पोर्शन कट हुआ है वो, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, एंड यहीं पर हम उसको समझ लेते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बच्चों जो आपका चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये चैप्टर बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th के अंदर भी आता है, तो इसलिए 9th के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बेस जो है वो यहीं पर बनेगा इसका। तो इसलिए CBSE ने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, ठीक है बच्चों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट आपके कोर्स के अंदर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, नो डिलीशन, ये आपको पूरा पढ़ना है। अब बच्चों लास्ट में हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स पर जाने से पहले भी एक चीज़ और देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बच्चों, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी पूरा का पूरा कोर्स के अंदर है, नो डिलीशन, इसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं कट की गई। आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप लोगों के लिए, नो डिलीशन, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया है। अब बच्चों लास्ट एक चैप्टर रह गया केवल, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या छूट मिली है आप लोगों के लिए, उसको देखना है हमें। तो आइए चैप्टर नंबर 14 पर, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या डिलीट करा है, कुछ मदद करिए ठीक ठाक कि नहीं। तो स्टैट्स में आप लोग आगे बढ़िए, इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिलीट हो गई हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसमें काफ़ी मदद करी है CBSE ने आप लोगों की, तो आगे चलते रहिए बच्चों। इसके अंदर ये सब अभी आ रहा है, आने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान सी चीज़ें हैं। ये आएगा, फिर ये सब आ रहा है, ठीक है, चलते रहिए, ये आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है। अब होगा कटना शुरू, अब हम यहाँ पे कटाई छटाई शुरू करेंगे जो चीज़ें कट हो गई हैं। तो नहीं, ये नहीं कट है। आगे चलिए, देखिए बच्चों पेज नंबर 250 पर हैं फिलहाल हम, 250 पर अब कट करना शुरू करना है, ठीक है। आ जाइए, ये आपको सबसे पहले यहाँ पर 250 पर आगे चलेंगे, एग्जांपल नंबर
7, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। एग्जांपल नंबर 7 के अंदर क्या लिखा है, अ हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वॉज प्रिपेयर्ड। हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम में जो वेरिंग बेस लेंथ वाले क्वेश्चन है बच्चों वो कट कर दिए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल 7 में हिस्टोग्राम बना दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो ये वेरिंग लेंथ वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास लेंथ, फिर यहाँ पर देखिए कम हो गई, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर फिर से बढ़ गई है, तो ये वाले क्वेश्चन एग्जांपल 7 आप लोग डिलीट कीजिए। वेरिंग बेस लेंथ वाले क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, ये देखिए बच्चों ये वेरिंग बेस लेंथ वाले क्वेश्चन है ये डिलीट हो गए हैं, ये भी देखिए आप, तो ये आपका डिलीट हो गया है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी बच्चों डिलीट हो गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टॉपिक पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, इसको भी आप यहाँ पे कट कर दीजिए। अब ये तो फिलहाल टॉपिक्स की बात है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताइए सर, क्वेश्चन कौन कौन से हैं एक्सरसाइज में, तो उस पर चलिए आइए उसको देखते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आगे चलते रहिए, ये आ गए हम एक्सरसाइज पर 14.3 में ध्यान से धीरे धीरे चलना है, एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा, निकलना नहीं चाहिए हमारे हाथ से, ये रहा ठीक है, आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कट करिए। इसके बाद इसमें मैं बिल्कुल अच्छे से देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन रह ना जाए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गए ना बच्चों ये, और 27 में चलिए नहीं इसको मत करिए आप लोग कट, रहने दीजिए इसको, आगे चलिए। चलिए बच्चों ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फिलहाल, और आगे चलते रहिए आप, चलते रहिए, आपको दिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये रहा इसको करिए, इसको कर दीजिए कट। क्वेश्चन नंबर 6 कहीं है इस बार कोर्स में, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड, देख पा रहे होंगे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कोर्स में से हटा दिया गया है। इसके बाद 7th ये कट है बच्चों, क्योंकि ये भी आप देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन है, वो इस बार कोर्स में नहीं है। उसके बाद आगे चलिए ये 8th क्वेश्चन को कट करिए, 8th क्वेश्चन कोर्स में नहीं है आपकी बार, वेरिंग बेस लेंथ का क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का, और ऐसा ही सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th है, ये भी कोर्स में नहीं है, इनमें आपको सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, ये दोनों डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो टॉपिक है आपके पास ये पूरा का पूरा डिलीटेड है, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर CBSE ने क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस के अंदर पहले तो सारे के सारे टॉपिक्स जो इसके चैप्टर के हैं आपके वो लिखे हुए हैं, फिर लास्ट में जो ये मेन सिलेबस की बात कर रहा हूँ बच्चों, मेन सिलेबस में आपके CBSE ने फिर लिखा है कि मीन, मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ये आपके सिलेबस में था। अब CBSE ने अब की बार क्या लिख के दिया है, CBSE ने लिखा है कि मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ये हो गया है डिलीट, तो यही आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, आगे से आगे जो एक्सरसाइज है वो पूरी इस पे ही बेस्ड है, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा पर, तो ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक CBSE ने डिलीट कर दिया। यानी समझिए बस आपको जो पढ़ना था वो, ये भी क्वेश्चन कटते, ये भी कटते, ठीक है, ये भी कट है, ये भी कट है, तो आपको पेज नंबर 259 तक बस इसमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में, इसके बाद जो जो भी चीज़ें हैं आगे वो सारी की सारी डिलीट है, ये पूरा का पूरा डिलीट है आगे, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। ये एग्जांपल नंबर 11 ये कट, आगे चलिए एग्जांपल नंबर 12 ये कट है, फिर आगे एग्जांपल नंबर 13 कट है, ये सब अनग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मीन मीडियन मोड के। 14th ये भी कट, आगे एग्जांपल नंबर 15 ये भी कट, ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दी बात कि आगे सारा का सारा ये कट है, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी बच्चों, एक्सरसाइज 14.4 पूरी की पूरी कट है, ठीक बच्चों। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि आगे चीज़ें CBSE ने आपके एग्ज़ाम में से इस बार के लिए कट कर दी हैं, और ये बच्चों एक काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं आजकल कि ये जो है टॉपिक्स हमेशा के लिए डिलीट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टॉपिक्स केवल इस सेशन के लिए 20 और 21 इस सेशन के लिए बच्चों ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, अगली बार से फिर से पूरे के पूरे टॉपिक ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था कि आपको अपनी पेंसिल से मार्क करना है जो करना है,
ताकि बुक आपकी ख़राब ना हो, अगली बार भी उसको बाकी बच्चे यूज़ कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, आई होप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो जो आपके पास टॉपिक्स रह गए हैं वो आपको बिल्कुल मन लगा के पढ़ने हैं, मन लगा के। अब कोई भी किसी भी तरह का डाउट मन में नहीं रखना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी से रिलेटेड। चलिए, थैंक यू।